किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो, थूकती हूँ ऐसे जन्नत में। तो दोस्तों, सन्नोज मिश्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फाइनली कई बार पोस्टपोन होने के बाद आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जहां पे दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ काफी कम स्क्रीन्स पर इस फिल्म को आज रिलीज किया गया है। फिल्म में दोस्तों हमें याजुर मरवा, अर्शियन मेहता, गौरी शंकर, अवध अश्विनी, रौनव वर्मा और आशीष कुमार जैसे कलाकार देखने को मिल रहे हैं। फिल्म की कहानी लिखी और फिल्म का डायरेक्शन किया है सन्नोज मिश्रा ने। फिल्म को आज दोस्तों काफी कम स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जहां पे दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन एक ठीक ठाक सा कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देश भर के कई सारे हिस्सों में इस फिल्म को बैन किए जाने की भी डिमांड की जा रही है। ऐसे में दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती है या फिर ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे कम कमाई कर कर ही निकल जाएगी। फिलहाल फिल्म के डे वन कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म अपने पहले दिन लगभग 35 लाख रुपए का इंडिया नेट तो वहीं 50 लाख रुपए का इंडिया क्रॉस कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर आपका क्या है कहना, साथ ही आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल पाएगी या नहीं, हमें अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।